हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कालासोड़ में एक बार फिर से। तो आप देख रहे हैं ये ब्रेजा गाड़ी है दोस्तों, और देखो ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ। ये देखियो, मैंने इसका मेन पाइप खोल के इसको चेक किया गाड़ी को। अब दूसरे मैकेनिक ने इसमें क्या बताया था ना, इसका हेड खुलेगा, इसकी रिंगें डलेंगी, इसका इंजन खुलेगा, और धनी को यानी यूँ बता दिया भाई इसके नोजल वोजल सब होएंगे। और जो कस्टमर है ना उसको उन्होंने क्या बता दिया कि इसमें करीबन 30,000 का खर्चा है, मतलब 25 से 30,000 का खर्चा बता दिया। जबकि दोस्तों ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें गाड़ी में क्या हुआ था। आपको पहले मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसमें से पानी बाहर फेंकने लग गई थी है। यानी ये 5 से 10 किलोमीटर चलती है और इसमें से पानी फेंक देती है और टेम्परेचर हाई दिखा देती है। जो टेम्परेचर है ना वो हाई आ जाता है और इसमें से पानी फेंकने लग जाती है। यानी ये यहाँ ढक्कन है ना, इसमें से पानी बाहर आने लग जाता है इसमें से, इस पाइप में होकर। तो ये तो इसमें प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो कस्टमर ने दूसरे एक जगह पे चेक कराया तो उसको यूँ बताया बस क्या हेड खुलेगा, इसके रिंग और हेड गैसकेट वगैरह डलेगा, हेड का फेस होएगा, नोजल भी होएंगे, सब बता दिया। जबकि फिर इसने मेरे पास आया ना तो मैंने इसे चेक कराया। देखो मैं आपको बता दूँ, अगर ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है तो आपको क्या है, किस तरीके से चेक करना है, क्या है, मैं सब चीज़ कस्टमर को बताता हूँ। मैं इसीलिए बताता हूँ भाई आप भी चेक करके अपनी गाड़ी की बीमारी चेक कर सकें। जैसे कि गाड़ी को ये पाइप है ना ऊपर वाला रेटर का, ये वाला, तो इसको कैसे चेक करना दोनों तरीके मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ईजी तरीका, जैसे गाड़ी आपकी गरमा रही है ना, तो इसमें पानी डाल देना, इसमें पूरा कर देना और गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देनी। जब आपको चेक करना क्या, पहले तो इस पाइप को यहाँ से पकड़ के देखना है, यहाँ से हाथ लगाना है गर्म होने के बाद। ये पाइप को चेक करना है भाई ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और एक इसमें आता है नीचे, देखो वहाँ पर एक वो रहा, वो पाइप ये रहा, एक ये रहा पाइप, शायद दिख नहीं रहा, ये देखिए वो रहा नीचे है ना वो पाइप। एक तो उसको पकड़ के चेक करना है और एक इसको पकड़ के चेक करना है। अगर वो वाला पाइप गर्म है और ये वाला पाइप ठंडा है ना, तो आपकी गाड़ी में कोई इंजन में परेशानी नहीं है, कहीं भी परेशानी नहीं है, सिर्फ आपके एक एल्बो की परेशानी है। आप सिर्फ इस चीज़ को देख लीजिए, यानी सिर्फ एक एल्बो में बता देता हूँ एल्बो भी कौन सी है। देखो वो एल्बो ख़त्म है इसकी, यानी कि ये गाड़ी 2017 मॉडल है और 5 साल हुए हैं और इसका वाल जाम हो चुका है। तो मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ भाई रेगुलरली 3-4 साल के अंदर ये एल्बो चेंज करा लेनी चाहिए, चाहे ख़राब हो चाहे ठीक हो। अब इसमें देखिए ये पाइप बिल्कुल ठंडा था और नीचे वाला पाइप गर्म हो चुका है, इसका मतलब ये एल्बो काम नहीं कर रही, इसका वाल खुल नहीं रहा, इससे पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। इस वजह से हेड का पानी तो ठंडा है और नीचे ब्लॉक का गर्म है, इस वजह से गाड़ी पानी बाहर फेंक रही है। इससे क्या पोजीशन बोलती है कि गैसकेट गया इसका, जबकि ऐसा होता नहीं है। अभी मैं वो एल्बो निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा पहले खुलवा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये एल्बो हमने खोल लिया इसकी है ना, ये बिल्कुल ख़त्म है और ये बिल्कुल, ये मान के चलिए। अब इसमें मैं दिखाता हूँ, देखो परेशानी क्या हुई है, परेशानी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले परेशानी ये रही, देखो ये रही ये वॉल, ये है परेशानी, ये देखिए ये दिक्कत है। मैं आपको इसमें डिटेल दिखाता हूँ, चलो मैं इसको खोल कर आपको डिटेल में दिखाता हूँ सबसे मेन चीज़। रुकिए अभी 2 मिनट। अच्छा, तो जैसे दोस्तों मैं दिखाता हूँ, देखो ये दोनों स्क्रू खोल लिया, मैं आपको इसकी बीमारी दिखा देता हूँ। देखो मेन बीमारी क्या है, देखो मेन चीज़ आपको पूरी क्लियर दिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए पूरी चीज़ें डिटेल बता रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो कभी भी यूँ नहीं करेगा भाई, इंजन ही खुलेगा। अगर कोई भी ऐसा बोलता है तो उस चीज़ को मानना नहीं है आपको। एक और देना पेस्ट, ये उठा दो साइड में, इधर ये रहा, यहाँ यहाँ बस भाई बस, ये वाह बस 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 बस, मैं निकालूंगा एक एक मिनट तोड़नी होने को निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसमें जो दिक्कत है ना वो मैं बताता हूँ, देखो क्या है, ये देखो इसका ये वाल है, सही देखा, ये वाल जाम हो जाता है और ये देखिए अंदर से ना ये टूट चुका है, अंदर से टूट चुका है और ये वाल आता है, देखो ये वाल, ये इसका जाम हो जाता है और इस वजह से ना ये देखो ये ना यूँ ये दबना और ये करना है सब बंद हो चुका है। यानी कि ये जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो दबता है, उससे पानी इंजन में घूमता है तो घूमना बंद हो गया, इसलिए गाड़ी गर्मा रही है और गाड़ी गर्मा कर यानी पानी को बाहर फेंक रही है, यानी हीट कर रही है। जो ऐसा प्रॉब्लम आ रही है जैसे इंजन का गैसकेट गया हो, वो प्रॉब्लम इससे ऐसे दिखाने लग जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये एल्बो लगेगी और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी हीट नहीं दिखाएगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जो जैसे कि दोस्तों ये देखिए ये हम नहीं ले आए हैं,
ये ओरिजिनल MGP की है, ये देखिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका भाई टोटल खर्चा ना सिर्फ 2000 रुपये का, ये देखिए सामान वामान सब, ये सब। अब इतने कम खर्चे का काम है और ये सब करना है सिर्फ। और कई लोग क्या बता देते हैं, हेड ख़त्म है, पूरा हेड उतार लेते हैं, हाफ इंजन खोल देते हैं, रिंगे विंगे सब डाल देते हैं, गैस गाड़ी की सब चेंज कर देते हैं और साथ में ये भी चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इस चीज़ पर बात करता हूँ हमेशा का, एक छोटा प्रोसेस होता है। देखो कोई भी चीज़ है भाई, एक जैसे मान लो भाई गर्म आकर गैस की टी फट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की परेशानी अगर अपन चेक करवाते हैं ना, तो जैसे मान लो छोटा प्रोसेस होता है, और छोटा प्रोसेस ये है देख लो, इससे भी एक बीमारी ठीक हो रही, और एक इनको जो मैकेनिक ने भी बताया था ना पूरा हेड खुलेगा ये खुलेगा, उससे भी बीमारी ठीक होती। भाई दोनों चीज़ों से बीमारी सेम ठीक हो रही है, लेकिन एक एक में फ़र्क ये है कि एक में आपके यानी कम पैसे में आज की तारीख में यूँ कहीं ओरिजिनल इंजन है, और अगर आप ऐसे करवाओगे भाई पूरा गैस की डेस्क खुलवाओगे सब काम कराओगे और ये भी डलाओगे तो भी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि बीमारी तो इसमें है ना। तो इसी तरीके दोस्तों मैं इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ आपकी गाड़ियों भाई, इन चीज़ों का इस तरीके से एक छोटा प्रोसेस के आप ज़रूर चेक कराया करें। ये नहीं है किसी ने बोल दिया भाई इंजन खुलेगा तो इंजन ही खुलवा दे, पर क्यों खुलेगा रीज़न क्या है वो ज़रूर तलाश कराएँ और फिर गाड़ी का काम कराएँ, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो चलो मैं इसको लगा देता हूँ फिर गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, ये देखिए स्टार्ट है इंजन, पूरा इंजन देखिए स्टार्ट है, ये गाड़ी स्टार्ट कर दिए। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, यानी ये हीट दे रहे हैं, इसके बाद में इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे हीट देकर, पहले अभी तो फिलहाल इसको हीट दे देते हैं, स्टार्ट कर दिया ताकि हीट देकर चेक कर रहे हैं भाई। ये जैसे ही टेम्परेचर यानी थोड़ी बहुत चलती है ना, फिर इसमें से पानी फेंकने की शिकायत थी, यानी इसमें से पानी फेंकने की शिकायत थी, इस ढक्कन में से छेद में होकर पानी फेंकने लग जाती, बहुत तेज सूं सूं बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी, ये प्रॉब्लम थी। और कस्टमर को किसी ने 30,000 का खर्चा बताया था, और ये रहा हमारा इसके माल कस्टमर, ये मालिक भी है और ये ड्राइवर भी है, दोनों ये है, मालिक भी यही है और ड्राइवर भी यही है, ये खुद ही चलाते हैं, इनकी खुद की गाड़ी है। तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी हम चला रहे हैं, अब इसकी हीटिंग देखो ओरिजिनल आ रही है, चार डंडे आ रहे हैं हीटिंग, ये देखो छोड़ दे स्टीयरिंग, ये गाड़ी अब आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हीट करके देख रहे हैं, काफ़ी बरसात आ रही है, थोड़ी हीट देंगे, थोड़ा लंबा चलाएंगे और फिर चेक करेंगे इसको आराम से। अभी फ़िलहाल ये देख लिए खूब बढ़िया चल रही है, काफ़ी लंबा चल भी लिया हम, बिल्कुल भी हीट ज़्यादा नहीं बताई गाड़ी ने। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भाई वो जो छोटा प्रोसेस होता है ना वो ज़रूरी है भाई। डायरेक्ट आप है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको अगर मान लो वो बोतल में से भी जैसे अपन पानी डाल दे तो पानी बाहर फेंकती है ना, तो वो भी मैं बता दूँ आपको, अगर कोई मान लो पानी डाल रहा है कोई भी मैकेनिक और आपको सामने पानी डाल रहा है पानी बाहर फेंक रही है ना बोतल में से, तो भी आप ये मत सोचना कि गैस किट गया, पहले आप गाड़ी को ठंडी करो फिर बोतल में पानी डालो फिर सेलअप लगवा के देखो, अगर फिर भी पानी फेंक रही है ना तो ही हेड गैस किट जाता है। ये और बता देता हूँ मैं आपको डिटेल, कई मैकेनिक क्या गर्म गाड़ी में पानी डालते हो फिर सेलअप लगवाते हैं, जैसे पानी उसमें बाहर आता है आपको बता देते हैं भाई गैस किट गया इसका तो हेड खुलेगा, ऐसा नहीं होता है, पहले ठंडी करके चेक करना पड़ता है तभी असली पता चलता है, वरना तो ये छोटा प्रोसेस में ही गाड़ी ठीक हो जाती है। अब देखो ये एल्बो डाली है इसकी बिल्कुल भी नहीं गर्मा रही, 1% ही दिक्कत नहीं आ रही अब गाड़ी में। और इसी तरीके से मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसे चीट का काम ना कर सके। तो ये देखिए अब ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी गाड़ी का काम कराएं, छोटा प्रोसेस हमेशा ज़रूर चेक करें दोस्तों, मेरा कहना यही है, हमेशा छोटे छोटे प्रोसेस का ध्यान रखें। कोई भी आपको अगर बड़ा प्रोसेस बताए भाई इसमें ज़्यादा खर्चा है तो आप पहले छोटी चेक कराएं, और मेरी वीडियो देख कर आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी, मैकेनिकल होगी। तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही दूसरी वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो वॉच कर सकें, जिससे आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।